वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ए सेप इंग्लिश बाय आरन। आपको पता है कि मैं ग्रामर, टीटी और स्पोकन इंग्लिश के कई सीरीज तैयार कर रही हूँ। अभी मैंने स्पोकन इंग्लिश के लिए 30 सेंटेंस डाले हैं। आज जो हम डालने वाले हैं उसमें 51 सेंटेंसेस हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो देखिएगा ज़रूर एक बार और सब्सक्राइब करिएगा। जो नए हैं उसे सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि हमारा न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके आसपास जो कोई भी एमपी टीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारा वीडियो जो है तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, खुद भी तैयारी कर लीजिए। आप जानते हैं कि ग्रामर जो होता है सबके लिए कंपलसरी होता है, सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटर के लिए। और स्पोकन इंग्लिश भी आपके घर में आप आसपास सबके साथ बातें किया करिए। तो वो सेंटेंसेस हम लेके आए हुए हैं जो जनरली डेली यूज किए जाते हैं, वो सेंटेंस हैं इस प्रकार से वो देखेंगे आप। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते, लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं हम 51 स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस को, यानी कि 51 सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट है, मैंने आपको अपने ऑफिस में देखा है। जनरली ये वही सेंटेंसेस लिए गए हैं जो ऑफिस या घर में आपस में अपन बात करते हैं, उन्हीं चीजों को मैं लेकर के आई हूँ। तो आपके लिए फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, मैंने आपको अपने ऑफिस में देखा है। दो बार मैं इनका ट्रांसलेशन इनका इंग्लिश में बताऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। आई हैव सीन यू इन माई ऑफिस, आई हैव सीन यू इन माई ऑफिस। नेक्स्ट, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। नेक्स्ट, जैसी आपकी मर्जी, as you wish, as you please, as you wish, as you please। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, by God's grace I am safe, by God's grace I am safe। क्षमा कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई, sorry I got a little late, sorry I got a little late। कृपया आप अपने आप लीजिए, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जब आप माँ से कोई चीज मांगते हैं और आपकी माँ कह देती है आप अपने आप ले लीजिए, तो माँ वहां पे ऐसा भी कह सकती है कि प्लीज हेल्प योर सेल्फ। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, योर फीवर will go down with this medicine। मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। I'm feeling dizzy or giddy, I'm feeling dizzy or कह सकते हैं दूसरा giddy। आकाश में बादल ही बादल छाए हैं, the sky is overcast with clouds, the sky is overcast with clouds। आज उमस बहुत ज्यादा है, it is very humid today, it is very humid today। हालांकि ये ग्रामेटिकल में है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं today is very humid, today is very humid, ऐसा भी स्पोकन में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, कृपया स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें, प्लीज स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ्स, प्लीज स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ्स। मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई स्पेक्टिकल्स, आई कांट फाइंड माई स्पेक्टिकल्स। इसके स्थान पे आप घड़ी, शर्ट, पैंट कुछ भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपने घड़ी किया, आई कांट फाइंड माई वॉच या रिस्ट वॉच। नेक्स्ट, कपड़ों को बाहर सुखा दो, पुट ऑफ द क्लॉथ्स इन द सन, अंडर द सन, अथवा करके और करके, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, पुट ऑफ होना चाहिए, यहाँ पुट ऑफ होना चाहिए। तो पुट ऑफ द क्लॉथ्स, क्योंकि बाहर सुखाने या डालने के लिए, उतारने के लिए पुट ऑफ का यूज किया जाता है। पुट ऑफ द क्लॉथ्स इन द सन, अंडर द सन, अथवा ये भी कर सकते हैं पुट ऑफ द, पुट ऑफ अंडर द सन।
एक सूर एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है, द सन इज द नेचुरल सैनिटाइजर, द सन इज द नेचुरल सैनिटाइजर। नेक्स्ट, बेटा आज काली पैंट पहन लो, डियर पुट ऑन द ब्लैक पैंट टुडे, डियर पुट ऑन द ब्लैक पैंट टुडे। मैंने अपना इरादा बदल लिया है, आई हैव चेंज्ड माई माइंड, आई हैव चेंज्ड माई माइंड। मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ, पढ़ती नहीं है ये, पढ़ती रीड के लिए है, तो आई स्टडीड ऑल द डे, आई स्टडीड ऑल द डे। नेक्स्ट, आप कहाँ थे, वेयर हैड यू, वेयर हैड यू। मुझे लगा मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया, मुझे लगा मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। आई थॉट आई लॉस्ट यू फॉरएवर, आई थॉट आई लॉस्ट यू फॉरएवर। ट्रेन कब की है, जनरली इस तरह पूछा जाता है, कब की ट्रेन है, बस कब की है, तो अपन इंग्लिश में पूछ सकते हैं, व्हेन इज द ट्रेन, व्हेन इज द ट्रेन। तुम्हें यह कब पता चला, तुम्हें यह कब पता चला, व्हेन डिड यू कम टू नो दिस, व्हेन डिड यू कम टू नो दिस। बच्चों की तरह मत रो, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन, डोंट क्राई लाइक चिल्ड्रन। मैं अपमानित महसूस कर रही हूँ, आई एम फीलिंग इंसल्टेड, आई एम फीलिंग इंसल्टेड। आजकल कड़की छाई हुई है, कोरोना काल चल रहा है, सबके पास है, जनरली इस तरह बोलते हैं। आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज, आई एम आउट ऑफ पॉकेट दीज डेज। ये आजकल कड़की छाई है, गरीबी छाई है, पैसे नहीं है, इसके लिए यूज किया जा सकता है। मुझे बहुत खराब लगा, आई फील्ड बैड, आई फील्ड बैड। आप तो साक्षात भगवान हैं, कोई यदि आपकी हेल्प करता है तो उसको आप इस तरह से बोलते हैं, आप तो साक्षात भगवान हैं। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं, यू यू आर गॉड इन ह्यूमन फॉर्म, यू आर गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। उसने अपनी नजरें झुका ली, She lowered her eyes, she lowered her eyes। तुम उसके मित्रों के बीच खड़े हुए थे, you were standing among his friends, you were standing among his friends। ये ग्रामेटिकल भी है, कई मित्रों के बीच में, कई के बीच में यदि किसी को बताया जाता हो, अमंग का यूज किया जाता है, तो ये जनरली यूज किया जाता है ग्रामर के रूप में भी, तो ध्यान देंगे आप। खेल समाप्त हो गया है, गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। हम रात का खाना 8 बजे के बाद खाते हैं, वी हैव अवर डिनर आफ्टर 8, वी हैव अवर डिनर आफ्टर 8। मैं अपना गृह कार्य नाश्ते के बाद करती हूँ, यहाँ गृह का लिखा है, गृह कार्य होना चाहिए, होमवर्क। मैं अपना गृह कार्य नाश्ते के बाद करती हूँ, आई डू माई होमवर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, आई डू माई होमवर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। सभी देवताओं में गणेश जी को पहले पूजा जाता है, एमंग ऑल द गॉड गणेशा इज वर्शिप फर्स्ट, एमंग ऑल द गॉड गणेशा इज वर्शिप फर्स्ट। वह स्कूल के लिए 10 बजे चलता है, वह स्कूल के लिए 10 बजे चलता है, He leaves for school at 10 o'clock. He leaves for school at 10 o'clock. ये भी ग्रामेटिकल है, अपन ग्रामेटिकल भी स्पोकन में यूज करते हैं, मेन ग्रामर ही मजबूत होता है तभी हमारा स्पोकन भी स्ट्रांग होता है। जादूगर ने कपड़ा हटाया, द मजिशियन टुक द क्लॉथ ऑफ, द मजिशियन टुक द क्लॉथ ऑफ। स्विच बंद करो, पुट द स्विच ऑफ, पुट द स्विच ऑफ। पता है तुम्हें बस जंगल से होकर निकली, पता है तुम्हें, कॉमा होना चाहिए यहाँ पे, बस जंगल से होकर निकली। डू यू नो द बस पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट, डू यू नो द बस पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट। मैं हमेशा 5 बजे उठती हूँ, आई ऑलवेज गेट अप एट 5, आई ऑलवेज गेट अप एट 5। वह हमेशा स्कूल पैदल जाता है,
जाता होना चाहिए। वह हमेशा स्कूल पैदल जाता है। यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, वे हमेशा स्कूल पैदल जाते हैं, वह नहीं, वे होना चाहिए। दे ऑलवेज वॉक टू द स्कूल, दे ऑलवेज वॉक टू स्कूल। नेक्स्ट, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। कुछ लोग ऑफिस में अक्सर लेट आते हैं या होते हैं। Somebody is often late in the office. Somebody is often late in the office. तुम्हारे पास कितना पैसा है? How much money do you have? How much money do you have? मेरे पास अधिक पैसा नहीं है। I don't have much money. I don't have much money. मेरे घर आओ और मेरी माँ से मिलो। Come to my house या home and meet my mother. Come to my house and meet my mother. तुम मुझे मैसेज क्यों करते हो? तो दो तरीके से कहा जाता है। First is, why do you message me? Why do you message me? And why do you text me? Message को text भी बोला जाता है। तो why do you message me और why do you text me? मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। I have got so many pimples on my face. I have got so many pimples on my face. हो गए हैं, अभी मैं गेट का यूज बता रही हूँ ग्रामर में। उसको देख लेंगे कि जहां होना पाया जाता है वहां गेट का यूज किया जाता है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग गेट गॉट गेटिंग का यूज है। तो यहाँ हो गए हैं इसी को दर्शाने के लिए आई हैव गॉट, गेट का थर्ड फॉर्म लगा है। आई हैव गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी स्किन तैली है तो आपको मुहासे हो सकते हैं। If you have oily skin, you may have pimples. If you have oily skin, you may have pimples. अभी का अभी शर्ट को उतार दो। अभी का अभी इस शर्ट को उतार दो। Right away का मतलब होता है अभी का भी। तो take off this shirt right away. Take off this shirt right away. Next, केले का छिलका उतार दो। केले का छिलका उतार दो या केले छील दो। रिमूव द पील ऑफ द बनाना। रिमूव द पील ऑफ द बनाना। तो जैसे केले का ऊपर से छिलका होता है, ऑरेंज का अलग से छिलका होता है, इसको पील ऑफ किया जाता है, उसको उतारा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। सेब को छील दो, चीर दो नहीं, यहाँ पे छीलना होना चाहिए, यहाँ पे छीलना होना चाहिए। सेब को छील दो, ठीक, ये छीलना होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे तो इसको भी दो तरह से किया जाता है। रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल या पील ऑफ द एप्पल। या तो सिर्फ हम पील ऑफ द एप्पल का यूज करेंगे या रिमूव द स्किन ऑफ। ये स्किन ऑफ देखेंगे कि कोई वेजिटेबल्स हुआ या हमारा फ्रूट्स हुआ जिसकी जिसके छिलके उस पे चिपके होते हैं, तो उसको स्किन ऑफ किया जाता है। नेक्स्ट, सिर पर तेल लगा दो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। नेक्स्ट एंड लास्ट, 51 आपके कंप्लीट हो रहे हैं, लास्ट है, शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज, डू बॉडी मसाज। माई डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीबॉडी टू ऑल, आपको यदि हमारा ये स्पोकन इंग्लिश का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, और सेंटेंसेस भी दीजिए किस तरह से हम तैयार करें। यदि अच्छा लगा हो तो हमें अप्रिसिएट करिए, ना लगा हो तो एडवाइस करिए कि आप और इसमें से इम्प्रूवमेंट करें। हम आपके ही अकॉर्डिंग चलेंगे और तैयार करके आएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।